नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रानीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। कोतवाली रानीपुर थाना सिडकुल क्षेत्र में कुछ समय पहले मोबाइल स्नैचिंग व गाड़ियों की चोरियों की घटनाएं सामने आ रही थी। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर एसपी सिटी व सीओ सदर हरिद्वार के निर्देशानुसार मोबाइल चोरों की धरपकड़ हेतु एक टीम गठित की गई थी। योगेश सिंह देव प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनाओं पर सतर्कता दिखाते हुए मुखबिर खास की सूचना पर 4 अभियुक्तों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है और गिरफ्त में आए चारों अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल फोन व 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद की गई है। सेंथिल अबुदई कृष्णराज एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि क्षेत्र में हो रही मोबाइल स्नैचिंग व चोरियों की घटना पर कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और पुलिस टीम को 2500 के पुरस्कार की घोषणा भी एसएसपी हरिद्वार ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN News। रानीपुर एवं थाना सिरकुल क्षेत्र में जो है मोबाइल चोरी का घटना जो है हाल फिलहाल में एक दो घटना हो गई थी, जिसमें जो हम टीम लगा के उसमें लगे रहे थे, तो फिर आज हमारी टीम का सफलता मिली। इसको मुखबिर का सूचना का माध्यम से जो है 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उसमें जो है हमें लगभग 22 मोबाइल जो है इनका जो है चोरी जब्त किया गया वो मिला है और इनसे बिना नंबर प्लेट का 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी जो है हमने बरामद की है और इसमें जो 4 मोबाइल हैं हमारा मुकदमा से संबंधित है, बाकी 18 मोबाइल का संबंध के बारे में अभी जांच कर रहे हैं और इस वाहन का विकास के बारे में भी हम जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। घटना को कैसे अंजाम देते हैं सर, ये पता चला होगा? ये तो जो है दो भाई, एक पंकज है एक अमित है, दोनों भाई है, सब भाई है, एक बाइक में बैठ के आते हैं तो फिर कोई एकांत जगह पर जो मोबाइल में बात करते हुए जाते हैं उनसे जो है मोबाइल चीन के भाग जाते हैं। कितने और लोग हैं जो साथ में आ सकते हैं या कोई गैंग है ऐसा जो बना रखा है? तो अभी तक तो 4 लोग नाम प्रकाश में हैं, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी आगे जो है हम जांच करेंगे, इसमें जो भी नाम प्रकाश में आते हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे।